हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल जर्नी ऑफ लाइफ। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग एंड आई होप मैंने अच्छा स्टार्ट किया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरा नाम है अंशिका सक्सेना। मैं कैलिफोर्निया यूएस में रहती हूँ एंड आई एम अ इंडियन। मैं इंडिया से यूपी से हूँ। मेरे हस्बैंड इंडिया से हैं, यूपी से हैं वो भी। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा प्यारा सा छोटा सा बेटा 7 साल का, वो हम तीनों यहाँ रहते हैं। और एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बात करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, लेकिन आई होप धीरे धीरे करके हो जाएगा। एंड हाँ, तो गाइस मैंने यही सोचा है कि मैं कैलिफोर्निया में रह रही हूँ, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर लाइफ कैसी चलती है, इंडियंस यहाँ पे कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ किस तरीके से, एक एक बेसिक रूटीन जो होता है वो कैसे चलता है, कैसे मैनेज होता है। और वो मैं आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग दिखाऊंगी, क्योंकि मैं, जो मेरी लाइफ है, मेरी जो फैमिली है यहाँ पर, हम सुपर बिजी रहते हैं। आई एम नॉट वर्किंग, बट घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, मेरे बेटे का काम, उसको स्कूल ड्रॉप करना, स्कूल लेने जाना, और घर के भी सारे काम खुद हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हमें हेल्पर मिल जाते हैं, बट हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमें खुद अरेंज करनी पड़ती है, खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कैसे क्या होता है। और एक्चुअली थोड़े टाइम पहले मैंने किसी का ब्लॉग देखा था, तो उसके बाद से मुझे एक आइडिया आया कि चलो यार, मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ कैसे चलता है, क्या होता है। और आप सब सोच रहे होंगे कि इस टाइम पर मैं कहाँ हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मॉर्निंग हो रही है 9:30 AM। सो मैंने अपने बेटे को पहले ड्रॉप किया स्कूल, फिर ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पार्क में आ जाती हूँ, तो थोड़ी देर अपने लिए निकालती हूँ, थोड़ी देर वॉक करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। सो फिर ये कि बस थोड़ी देर बाद मैं घर चली जाऊँगी, घर में जाके काम शुरू हो जाते हैं, घर के काम, खाना बनाना। हस्बैंड, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड भी घर में ही हैं। एंड बस फ्रेंड्स, ये सब चलता रहता है। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे बेटे की बर्थडे आने वाली है, वो 7 का हो जाएगा दिस संडे। सो उसकी बर्थडे 3 अक्टूबर को आती है, सो उसकी बर्थडे आने वाली है, 3-4 डेज रह गए हैं। तो मैं आपको कैसे तैयारी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था छोटा सा, जो मैं आपसे, आई डोंट नो कि मैंने कैसा इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को, बट आई होप आप लोगों को ठीक लगेगा। सो अभी मैं घर जाऊंगी, कुछ देखूंगी कि क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद मैं सारा उसका, मैंने एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट हम जैसे देते हैं बच्चे को, तो यहाँ के स्कूल में ये है कि उसकी बर्थडे है तो स्कूल में हमें जितने भी बच्चे हैं सबको रिटर्न गिफ्ट देने हैं, उसके लिए मुझे गुडीज़ बैग बनाने हैं। तो मैंने गुडीज़ बैग का ऑर्डर कर दिया था, वो आ गए हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स मैंने मंगा लिए थे वो भी सारे आ गए हैं, तो लेकिन वो मुझे अभी बैग में डाल के अरेंज करने हैं और बाद जाके टीचर्स को देना है, ताकि टीचर्स सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो गाइज, ये भी बहुत काम है और ये करना है, फिर घर में भी तैयारी करनी है, धीरे धीरे करके सबको इनवाइट भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड्स रहते हैं वो आएंगे, और कैसे क्या करना है, हमें बर्थडे का अरेंजमेंट कैसे करना है, वो सब कुछ करना है। सो बहुत सारे काम है, बट आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। मैं वैसे अभी आपको साइड का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ कि आखिर मैं खड़ी हूँ कहाँ। लुक, ये देखिए। एक्चुअली मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेंटल पीस होता है मुझे,
तो मैंने कुछ भी हो, मुझे कितना भी काम हो, बट मुझे यहाँ थोड़ी देर तो आना है अपने लिए। सो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया। एक्चुअली अभी आप जैसे देख रहे हो कि फॉल सीज़न आ गया है, तो फॉल सीज़न में कैलिफोर्निया में क्या होता है कि मेपल लीव्स जो होती हैं वो बहुत सारी फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं, क्योंकि वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो वो झड़ जाते हैं पत्ते। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट काफ़ी सुंदर होता है वो, क्योंकि जो मेपल लीव्स के कलर्स होते हैं वो इतने सुंदर हो जाते हैं, येलोइश, ऑरेंज, रेड, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। तो मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा क्लिप्स में दिखाती रहूंगी जहाँ जहाँ मैं बना सकती हूँ। बाकी अभी तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ मैं ज़्यादा वैसे कुछ मैनेज करके आपको नहीं दिखा रही कि हाँ ये करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसे मेरी लाइफ है, जैसे मैं नॉर्मल रह रही हूँ, मैं आपको वैसे सब कुछ दिखाऊंगी। सो गाइस प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और थैंक यू सो मच, लव यू। देखिए फ्रेंड्स, दोनों रास्ते में मैं अपने घर जा रही हूँ, तो देखिए आप जैसे देख रहे हो कि माउंटेन्स पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर वीडियो बना के, और आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब ये देखिए, ये क्रॉस करना है मुझे यहाँ से रोड। सो पहले मुझे कई जगह पे ये होता है कि आप इसको आप ख़रीदना पड़ता है पाइन कोन्स को, बट यहाँ पर कैलिफोर्निया में ये पाइन कोन आपको, क्योंकि पाइन ट्रीज इतने सारे हैं यहाँ पे, तो ये गिर जाते हैं, तो आप कभी भी ऐसे ही उठा के ले जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो मैंने कुछ अपने घर में भी रखे थे डेकोरेशन में, तो वही मैं बस आपको थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि जा रही हूँ घर की तरफ। एक्चुअली मुझे पार्क है थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, बट मैं कभी ड्राइव करके वहाँ तक नहीं आती, इस वजह से नहीं आती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कि यार मैं वहाँ से वहाँ तक वॉक कर लूँगी तो मेरी वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा सा मैं पार्क में भी रह जाऊँगी। एनीवेज ये देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर कलर हैं, आपको पानी भी दिख रहा हो शायद। ये देखिए रेड है एंड ये थोड़ा सा येलोइश है। तो मैंने आपको बताया था ना ये सारा फॉल में थोड़ा कलर चेंज हो जाते हैं ट्रीज़ के भी, मैं ट्रीज के क्या लीव्स के, उसके बाद फिर वो सूखने लगते हैं, फिर वो झड़ जाती है। तो फॉल सीज़न तो आ चुका है। जो हमारा घर है, हमारे घर के चारों तरफ मेपल ट्री बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। तो जब होता है ना, जब वो झड़ते हैं तो वो पूरे पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो हमारे घर के साइड में इतने ज़्यादा वो पत्ते होते हैं झड़े हुए। तो हमें जो हमारा बैकयार्ड है वहाँ पर हमें लीव ब्लोअर से ब्लो करने पड़ती हैं लीव्स बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारा भर जाता है। और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है, वो रेक से क्लीन करता है। रेक होती है जैसे झाड़ू होती है हमारे यहाँ घर में, वैसे ही यहाँ पे लीव्स को क्लीन करने के लिए रेक आती है, उसमें वो
लोहे के आगे लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको जब क्लीन करो तो वो उससे सारे पत्ते हट जाते हैं। तो मैं आपको सब शेयर करूँगी, दिखाऊँगी धीरे धीरे करके कैसे क्या होता है। और अब ये देखिए मैं रेड लाइट पे आ गई हूँ, मैं अपने घर के पास भी आ गई हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे जुड़ती हूँ, फिर बात करती हूँ। ओके की हालत। अब ज़्यादा ख़राब नहीं है, अभी मुझे थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ेगा। ओके चलिए चलते हैं फिर। Do you like it? Yes. What is this? It's a saxophone. It's a saxophone or trumpet? Saxophone. Okay. I'm meant to see drive Julian's car. Julian apne ghar kya beta? Julian. Stop. Okay.
Kiku comes. No! हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं जल्दी से आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों बाहर गए हुए हैं, इवनिंग हो रही है यहाँ पर, तो मोस्टली वो दोनों इस टाइम पे बाहर जाते हैं खेलने के लिए। तो वैसे मैं भी जाती हूँ साथ में, बट कभी कभी मैं कहती हूँ कि उसको ले जाओ तुम, उसके साथ थोड़ा खेलो, तो मैं घर में थोड़ा सा काम वगैरह कर लूँगी ताकि जब वो खेल कर आए तो मैं भी उसको पूरा टाइम दे सकूं। तो हम दोनों की यही कोशिश रहती है कि हम उसको पूरा पूरा टाइम दें। और तो बस वो दोनों अभी बाहर, हमारा बैकयार्ड है, बैकयार्ड के बाहर ग्राउंड है, थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, तो वहीं पर वो दोनों खेलते हैं बॉल वगैरह, या उसको स्कूटर चलाना होता है तो कम्युनिटी में ही स्कूटर चलाता है। तो बस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे बेटे की बर्थडे आने वाली है, तो हमने उसे स्कूल से पिक किया, फिर हम बेकरी शॉप गए थे, वहाँ उसका केक ऑर्डर किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि केक हमें मिल रहा है सैटरडे को, उसकी बर्थडे है संडे को। और लेकिन यही है कि मैं बस केक को फ्रिज में रख सकती हूँ क्योंकि संडे शॉप बंद रहती है, तो वो एक होता है ना कि तुरंत तुरंत मिलता है तो फ्रेश रहती है चीज़। बट ठीक है, फ्रिज में रख दूँगी। और कुछ हमारे, जैसे मैंने बोला था आपको कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, इंडियन हैं वो भी, उनको मैंने इनवाइट किया है, वो सब तो आएंगे ही, लेकिन जो मेरे बेटे की टीचर्स हैं यहाँ पे, क्या होता है कि जैसे टीचर तो एक होती है बट पैरा एजुकेटर्स होती हैं, वो तीन या चार एक क्लास में होती हैं। तो मेरे बेटे की क्लास में चार पैरा एजुकेटर्स हैं, लाइक वो टीचर नहीं होती हैं बट टीचर के जैसे ही होती हैं, वो भी वैसे ही काम करते हैं, संभालते हैं बच्चों को, जो भी उनका देख रेख जो भी करनी होती है वो सब कुछ वही करती हैं। तो फिर मैंने उन लोगों को भी, उनसे भी बोला है कि अगर आप लोग आना चाहो तो आप लोग भी आ जाओ, और इसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए देखते हैं फिर क्या होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसा जैसा जो भी होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। से हेलो हेलो, अभी डिनर करके बैठा हुआ है, आईपैड देख रहा है, मैं क्यूकम्बर खा रही हूँ। बस थोड़ी देर में हम जाएंगे सोने के लिए, सोने का टाइम हो रहा है, लेकिन वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं सोना है अभी। ओके हाय गाइस, एक्चुअली रात हो गई है, मेरा बेटा भी सो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड गए हुए हैं वॉक पे, क्योंकि वैसे पूरे टाइम इतना मिलता नहीं है, तो मैं मॉर्निंग में जाती हूँ वॉक पर और मेरे हस्बैंड नाइट में जाते हैं। तो यही था कि पहले हम चीकू को सुला देते हैं, उसके बाद फिर मेरे सोने का होता है, वो वॉक करके अपना आके फिर सो जाते हैं। तो मैंने एक्चुअली व्लॉग बंद नहीं किया था, एक्चुअली बंद क्या, मैंने एंड नहीं किया था, आप लोगों को बाय नहीं बोला था, तो मुझे लगा कि यार सडनली मैं कहाँ गायब होगी, आप लोगों को लगेगा कि अरे अचानक से बंद कर दिया, पता होना चाहिए कि हाँ आज का दिन कंप्लीट हो गया है और अब बंद हो गया, अब बाय कर दिया है मैंने। तो बस वही मुझे भी याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर आके आपसे बात कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में उसका स्कूल है, उसको रेडी करके भेजना है, और कल भी थोड़े बहुत काम है क्योंकि अभी उसके लिए हमने कपड़े वगैरह नहीं लिए हैं उसके बर्थडे के लिए, तो होता है ना कि बर्थडे पे तो वैसे भी नई ड्रेसेस आनी चाहिए बच्चे की, तो कल शायद हम लोग मॉल जाएंगे, वहाँ पर उसके कुछ कपड़े वगैरह देखेंगे, और थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे गुडीज़ बैग बनाने हैं, तो मे बी कल जब मेरा बेटा स्कूल में होगा तो हम दोनों मिलकर गुडीज़ बैग बनाएंगे, क्योंकि उसके सामने बना नहीं सकती मैं, अगर मैंने उसके सामने बनाया तो वो सारे गुडीज़ बैग खोल के सारा खुद
प्ले करके ख़त्म कर देगा, तो इसीलिए उससे हमें थोड़ा छुपा के रखना पड़ेगा। और ठीक है, मैं फिर आप लोगों से कल मिलती हूँ। और ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का मेरा व्लॉग, मेरा फर्स्ट व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।